हम टीनेजर्स के साथ कैसे डील करें? आपकी टीनेजर्स के साथ डील करने की उम्र निकल चुकी है। कुछ को बचपन वाली समस्याएं हैं, कुछ को टीनेज वाली समस्याएं हैं, कुछ मिडिल एज की समस्याओं से गुजर रहे हैं, कुछ ओल्ड एज की समस्याओं से गुजर रहे हैं। अगर आप जीवन के हर पहलू को समस्या की तरह देखते हैं तो हल क्या है? मौत ही एकमात्र हल है। आप जिसे संभालना नहीं जानते, आप उसे समस्या कहने लगते हैं। जिस पल आप किसी चीज को समस्या कहते हैं। पति पत्नी के बीच बहस ये थी कि पति बच्चे चाहता था और पत्नी का कहना था कि इसके बजाय हम कुत्ता पाल सकते हैं। टीनेजर्स की नजरों में माता पिता बेतुके लगते हैं। क्या आपकी नजरों में आपके माता पिता बेतुके नहीं लगे? क्योंकि टीनेज का मतलब है कि हॉर्मोन्स का जहर धीरे धीरे आपके ऊपर हावी हो रहा है। बुढ़ापे का मतलब है कि आप उससे छुटकारा पा रहे हैं। तो वो इस बात को समझते हैं। आपसे कह रहा हूं, आप एक महीने के लिए अपनी मासिक आमदनी उनके हाथ में सौंपने की हिम्मत कीजिए और कहिए कि वो घर चलाएं, उन्हें जिम्मेदारी दे दीजिए। आप देखेंगे कि उनमें नाटकीय बदलाव आ जाएगा। आपको डर है कहीं उसने सारा पैसा उड़ा दिया तो क्या होगा? अगर वो उड़ाता है तो जो आपके साथ होगा वही उसके साथ भी होगा। उसे एक महीने तक झेलने दीजिए, वो सीखेगा कि जिंदगी किस तरह चलती है। एक सुरक्षित और संभले माहौल में सीखना कल सुबह सड़क पर सबक मिलने से बेहतर है ना? हम टीनेजर्स के साथ कैसे डील करें? आपकी टीनेजर्स के साथ डील करने की उम्र निकल चुकी है। देखिए, हर एज एक समस्या है। नहीं नहीं, मैं युगों की बात कर रहा हूं। स्टोन एज एक समस्या थी, आयरन एज एक समस्या थी, ब्रॉन्ज एज एक समस्या है, कंप्यूटर एज गंभीर समस्या है, मिडिल एज गंभीर समस्या थी, मॉडर्न एज जबरदस्त समस्या है, टीन एज एक और समस्या है। आप नॉर्मल पैदा हुई थी? अगर आप नॉर्मल पैदा हुए थे तो आप ऐसे पैदा हुए थे और धीरे धीरे बड़े हुए। कोई आपकी उम्र गिनता गया और आप भी 13, 14, 15 की उम्र से गुजरे जिसे आप टीन कह रहे हैं। ये बस विकास का एक चरण है, जैसे नवजात शिशु, जैसे बचपन, जैसे किशोर अवस्था, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा वगैरह। हम इसे हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में ये शरीर की भौतिक यात्रा है। मुझे अपने जीवन के एक पहलू के बारे में बताइए जो समस्या न हो। कुछ को नवजात बच्चों वाली समस्याएं हैं, कुछ को बचपन वाली समस्याएं हैं, कुछ को टीनेज वाली समस्याएं हैं, कुछ मिडिल एज की समस्याओं से गुजर रहे हैं, कुछ ओल्ड एज की समस्याओं से गुजर रहे हैं, कुछ सारी समस्याओं से परे चले गए। अगर आप इस संदर्भ में से देखते हैं तो जीवन का हर दौर एक समस्या है, तब मौत ही एकमात्र हल है। अगर आप जीवन के हर पहलू को समस्या की तरह देखते हैं तो हल क्या है? मौत ही एकमात्र हल है। जैसे ही आप जीवन के हर दौर को एक समस्या मान लेते हैं, आप अनजाने में मौत की चाहत करने लगते हैं। ये जान लीजिए, खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। आपको नहीं मालूम, लेकिन आप अपने मन में एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जहां इस सबसे आजाद होना ही समाधान है। आप यहां जीवन का अनुभव करने आए थे। इसे जीवन के अलग अलग पहलू कहने के बजाय आप इसे अलग अलग समस्याओं का नाम दे रहे हैं। अगर आप मरते हैं तो आपको अंतिम संस्कार की समस्या भी होगी, क्योंकि मुंबई में अंतिम संस्कार कराना भी आसान नहीं है। अब यह सम्मान के साथ नहीं होता है ना? बूम पी 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 ट्रैफिक में फंसे हुए, मरने के बाद भी आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। आपके जीवन में कई तरह की परिस्थितियां होती हैं, वो बस परिस्थितियां हैं। उनमें से कुछ को आप संभालना जानते हैं,
कुछ को संभालना अभी आपको सीखना है। आप जिसे संभालना नहीं जानते, आप उसे समस्या कहने लगते हैं। जिस पल आप किसी चीज को समस्या कहते हैं, जिस पल आप किसी परिस्थिति को, वो एक साधारण परिस्थिति है। लेकिन चूंकि आपने अभी तक उस परिस्थिति को संभालना नहीं सीखा, आप उसे समस्या कह देते हैं। जिस पल आप उसे समस्या कहते हैं, बुरा अनुभव उसका स्वाभाविक नतीजा होता है। आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये खुशी का पल होना चाहिए। हाँ, टीनेजर यानी वो तेजी से बड़े हो रहे हैं। हाँ, या दूसरे शब्दों में, बदकिस्मती से वो आपके जैसे बनना शुरू हो गए और आप परेशान हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो आप जैसे बन रहे हैं। मैं समझ सकता हूं। नहीं सदगुरु, समस्या ये नहीं है, वो तो कुछ और ही बनने लगे हैं। अब तो वो मेरे बच्चों जैसे दिखते भी नहीं। अगर आप हमारे जीवन में असहाय दौर की उस अवस्था की बड़ाई करते हैं, जैसे कि बचपन, जहां हम किसी दूसरे की मदद के बिना जिंदा नहीं रह सकते, अगर आप उसकी बड़ाई करते हैं तो आप हमेशा वैसे ही रह जाएंगे। और यही हुआ है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इसे आप लव अफेयर मत समझिए। ये तो बस ये हुआ कि मैं बैसाखी के बिना नहीं चल सकता। मैं जैसा हूं ठीक हूं, पर फिर भी मैं तुमको अपने साथ शामिल करने और अपने जीवन को तुम्हारे साथ जोड़ने के लिए तैयार हूं, ये कहने के बहुत मायने हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता कहने के कोई मायने नहीं है। मैं किसी का ध्यान मिले बगैर भी रह सकता हूं, मगर अभी यहां जो भी है उसके साथ मैं पूरी भागीदारी के साथ शरीक होने को तैयार हूं। इस बात की कीमत है। अब इस टीनेज के साथ हो ये रहा है कि आप अपने बच्चे के एक असहाय प्राणी होने के आदि हो गए हैं। अब अगर वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, आपको ये अच्छा नहीं लगता। आप उसे छोटा बनाना चाहते हैं ताकि आप बू 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 मेरा बू बू। आपको खेलने के लिए एक खिलौना या एक गुड़िया चाहिए। एक पति पत्नी आपस में ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनके घर में संतान होनी चाहिए या नहीं। पति पत्नी के बीच बहस ये थी कि पति बच्चे चाहता था और पत्नी का कहना था कि इसके बजाय हम कुत्ता पाल सकते हैं। क्योंकि वो खुद से तय नहीं कर पाए, वो एक मैरिज काउंसलर के पास गए। उन्होंने कहा, हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे पैदा करें या एक कुत्ता पाल लें, हमें क्या करना चाहिए। तो काउंसलर ने कहा, आपको बस ये तय करना है कि आप अपने कारपेट खराब करना चाहते हैं या अपनी जिंदगी। तो आपको यह समझना चाहिए, अगर आपका जीवन एक कंक्रीट का ब्लॉक है, जब मैं कंक्रीट का ब्लॉक कहता हूं, इसके बिल्कुल स्पष्ट सीमाएं होती हैं। मैं ऐसा ही हूं, जैसा कि अनुपम खेर अभी कह रहे थे, आजकल एक छोटा बच्चा भी कहता है, मैं तो ऐसा ही हूं, यानी मैं कंक्रीट का ब्लॉक बन गया हूं। क्योंकि मेरे पास कुछ बेवकूफाना जानकारी आ गई है और उसके आधार पर मैंने खुद को परिभाषित कर लिया है कि मैं क्या हूं। तो एक बार जब मैंने मैं कौन हूं की कंक्रीट ब्लॉक जैसी परिभाषा बना ली, अगर दो कंक्रीट ब्लॉक आपस में पूरे जुनून से मिलेंगे तो क्या होगा। अगर आपकी सीमाएं लचीली या हल्की हैं, तब अगर दो इंसान पूरे जुनून से मिलते हैं तो ये एक शानदार मिलन होगा। वरना जब दो कंक्रीट ब्लॉक टकराते हैं तो क्या होता है, आपको पता है, घर्षण। घर्षण होता है और उनमें से एक या दोनों कंक्रीट ब्लॉक टूट जाते हैं। तो एक बार जब आप कंक्रीट के ब्लॉक बन जाते हैं, तब आपको और ज्यादा कंक्रीट ब्लॉक नहीं पैदा करने चाहिए, क्योंकि आप किसी दूसरे जीवन को अपने हिस्से की तरह शामिल करने के नाकाबिल हैं। क्योंकि आपने खुद के बारे में बड़ी सख्त सीमाएं बना रखी हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो आपको शादी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि दो कंक्रीट ब्लॉक्स एक साथ मिलकर एक मकान बना लें, लेकिन इससे घर नहीं बनेगा। कंक्रीट ब्लॉक मिलकर मकान बना लेंगे, है ना, उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं बनेगा। तो बच्चे जब वो पैदा होते हैं
जब वो असहाय होते हैं और हर चीज के लिए आपकी ओर ताकते हैं तो आपको लगता है कि आपके बच्चे जादुई हैं, क्योंकि वो असहाय हैं। अगर बच्चा पैदा होते ही आपके सामने खड़ा हो जाए और कहे, अरे कौन हो तुम, आपको ये बच्चा पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये सवाल पूछने में उसे 14-15 साल लग जाते हैं। असल में एक टीनेजर बस इतना ही पूछ रहा है, आखिर तुम हो कौन। तो अगर आप आए हुए उस नए जीवन के लिए कुछ बनना चाहते हैं तो आपकी खुद की तय सीमाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जब बच्चा छोटा था, जब वो रेंगता था तो आप भी उसके साथ रेंगते थे। अब आपका टीनेजर झूमना चाहता है तो आपको भी उसके साथ झूमना चाहिए। नहीं, आप अभी भी उसके साथ रेंगना चाहते हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। टीनेजर्स की नजरों में माता पिता बेतुके लगते हैं। Yes or no? क्या आपकी नजरों में आपके माता पिता बेतुके नहीं लगे? 12 के होने तक अगर आप खुद बूढ़े ना हो गए हो तो, अगर आप जवानी और जोश से भरपूर थे तो आपको माता पिता बेतुके लगते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि आप भी रेंग रहे हैं और आपके साथ चू चू मुमु पुपू करने की जरूरत है। To you. हर दिन आपके भीतर जीवन बदल रहा है, क्योंकि आप तेजी से बड़े हो रहे हैं और आपके आसपास के मूर्ख ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, वो चाहे जो भी हो। आमतौर पर दादा दादी माता पिता की तुलना में ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं, क्योंकि वो दूर खड़े होकर काफी कुछ देख पाते हैं। क्योंकि टीनेज का मतलब है कि हार्मोन्स का जहर धीरे धीरे आपके ऊपर हावी हो रहा है। बुढ़ापे का मतलब है कि आप उससे छुटकारा पा रहे हैं। तो वो इस बात को समझते हैं। आप में से जो लोग बीच की उम्र में हैं, आपको कोई सुराग ही नहीं होता कि आप हैं कहां। ऐतिहासिक रूप से भी मिडिल एजर्स दिमाग की कंफ्यूज्ड हालत के प्रतीक होते हैं। तो अपने टीनेजर्स के साथ डील मत कीजिए। प्लीज, आप खुद को उनके द्वारा डील किए जाने के लिए उपलब्ध रखिए। उनको हर चीज की जिम्मेदारी सौंप दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप 1 महीने के लिए अपनी मासिक आमदनी उनके हाथ में सौंपने की हिम्मत कीजिए और कहिए कि वो घर चलाएं। उन्हें जिम्मेदारी दे दीजिए, आप देखेंगे कि उनमें नाटकीय बदलाव आ जाएगा। क्योंकि आपको समझना चाहिए कि बात बस इतनी है कि ज्यादातर लोग बच्चे की बुद्धि को कभी वो मौका नहीं देते, क्योंकि वो बच्चे के साथ बू 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 डू 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 करना चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें विस्तार पाने का मौका दीजिए, क्योंकि वो बस इतना ही करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल उनका शरीर ही नहीं बढ़ रहा है, उनमें एक इंसान होने की संभावना भी विकसित हो रही है। आपको उन्हें विस्तार करने देना चाहिए, इसके बजाय आप ये कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कैसे सिकोड़ा जाए, तब आपको बहुत बड़ी समस्या होगी। अगर आपके लड़के हैं तो आपको एक तरह की समस्या होगी, अगर आपकी लड़कियां हैं तो आपको दूसरी तरह की समस्या होगी। अगर आप रोक लगाने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि रोक लगाना जीवन को नियंत्रित करने का अच्छा तरीका है, नहीं, जिम्मेदारी उन्हें रास्ते पर ले आएगी। आप उन्हें अपना पैसा सौंप दीजिए और कहिए, इस महीने तुम छुट्टी पर हो, तुम इसे संभालो, तुम जैसा चाहो। आपको डर है कहीं उसने सारा पैसा उड़ा दिया तो क्या होगा? अगर वो उड़ाता है तो जो आपके साथ होगा वही उसके साथ भी होगा। उसे 1 महीने तक झेलने दीजिए। आप कुछ पैसा रिजर्व में रख सकते हैं, लेकिन वो जान जाएगा कि अगर वो सब कुछ उड़ा देता है तो सुबह नाश्ता नहीं बन पाएगा, और उसे ये झेलने दीजिए। दिक्कत क्या है? वो सीखेगा कि जिंदगी किस तरह चलती है। एक सुरक्षित और संभले माहौल में सीखना कल सुबह सड़क पर सबक मिलने से बेहतर है ना? और सबसे बढ़कर, सबसे पहले इस सोच को छोड़ दीजिए कि आपका बच्चा आपकी संपत्ति है। अगर आप सोचते हैं कि यह बच्चा आपकी संपत्ति है,
तो टीनेज में कदम रखते समय वो आपको बता रहा है कि मैं आपकी जायदाद नहीं हूं। वो आपको यही बता रहा है और आप हजम नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरा जीवन आपकी संपत्ति नहीं है। अगर एक दूसरे जीवन ने आपके साथ होना चुना है तो उसका आनंद लीजिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। चाहे वो आपका पति हो या आपकी पत्नी या आपके बच्चे, वो आपकी संपत्ति नहीं है। आप किसी भी मायने में उनके मालिक नहीं हैं। अगर अभी नहीं तो आप इसे तब समझेंगे जब आप मरेंगे या जब वो मरेंगे। वो आपकी जायदाद नहीं है। एक और जीवन ने आपके जरिए दुनिया में आना या आपके साथ होना चुना है, उसका आनंद लीजिए। ये मत सोचिए कि आप उस जीवन के मालिक हैं। आप नहीं हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप उस जीवन के मालिक हैं, एक टीनेजर अपनी बात रखना शुरू कर रहा है कि आप मेरे मालिक नहीं हैं, वो बस आपको यही बता रहा है अपनी ही भाषा में, है कि नहीं? वो बस आपको बता रहे हैं कि आप मेरे मालिक नहीं हैं। टीनेज का मतलब है, इसमें कई चीजें हैं, क्योंकि एक चीज तो ये कि आपके हॉर्मोन्स ने आपकी बुद्धि को हर लिया है, तो इससे कुछ चीजें हो रही हैं। अचानक दुनिया पहले जैसी नहीं लगती। आपके पड़ोस की कोई छोटी दुबली सी लड़की, आपका उससे कोई लेन देन नहीं था, अचानक उसके शरीर पर छोटे छोटे उभार आ गए और आपकी केमिस्ट्री जहरीली हो गई। केमिस्ट्री इज पॉइजन्ड। आपने उसे देखा और अचानक ये नई दुनिया हो जाती है। सारी दुनिया अलग दिखती है। जो पहले बस लोग हुआ करते थे, वो अचानक आदमी और औरत बन जाते हैं। ये कोई छोटा बदलाव नहीं है। जो पहले केवल लोग थे, वो अचानक कुछ और बन जाते हैं। अचानक आपकी रुचि सिर्फ आधी मानव जाति में होती है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। आप देखेंगे कि लड़के अपनी माओ को भी सीधे नहीं देखते, क्योंकि वो अभी भी शरीर के अंगों से अपनी नजर नहीं हटा पा रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि ये उसके लिए नया है और वो इससे समझौता करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अच्छे दोस्त होते, अगर उन्हें कोई समस्या होती, अगर वो संघर्ष कर रहे होते, तो वो आपसे बात करते। क्योंकि ज्यादातर माता पिता घटिया दोस्त होते तो वो दूसरे दोस्त बना लेते हैं और वो दोस्त अपनी ही अजीब सलाहें देते हैं, क्योंकि वो भी इसी हालत में होते हैं। बेहतर तो ये होगा कि अगर आपके बच्चे को कोई समस्या है तो वो आपके पास आए, है ना? हाँ? लेकिन अगर आप बॉस की तरह पेश आते हैं तो वो आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप उनके जीवन पर अपना स्वामित्व जताते हैं तो वो आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप बड़े खराब माता या पिता हैं तो वो आपके पास नहीं आएंगे। वो आपके पास तभी आएंगे जब आप एक अच्छे दोस्त होंगे, क्योंकि जब उन्हें कोई समस्या होती है तो ये स्वाभाविक है कि वो दोस्त से जाकर सलाह लें। तो बच्चे की छोटी उम्र से ही ये सुनिश्चित कीजिए कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब तक वो 18-20 के नहीं हो जाते, आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। रिश्ते को वैसा बनाइए, और ये आपको कमाना होगा। ये आसमान से नहीं टपकेगा, क्योंकि आपने उन्हें जन्म दिया। उनको जन्म देने से आपको माता पिता की पदवी मिल गई है, लेकिन आपको दोस्त की पदवी नहीं मिलेगी। इसे हर दिन अपने जिम्मेदार बर्ताव से कमाना होगा। मैं बहुत सख्त नहीं होना चाहता, हम आपको यहीं छोड़ देते हैं।